जनपद गाजीपुर शहीदी धरती, जहां से देश की आज़ादी के लिए डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जैसा व्यक्ति पूरे भारत में आज़ादी की लहर दौड़ाई थी, उसी जनपद गाजीपुर के मोहम्मदाबाद की धरती जहां 18 अगस्त 1942 को 8 लोग शहीद होकर के देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी थी। यही गाजीपुर जनपद वीर अब्दुल हमीद का जनपद, जिसने भारत और पाकिस्तान के युद्ध में अपने आप को वीर अब्दुल हमीद ने शहीद होकर के पूरे देश को लाज बचाई थी। आज उसी जनपद से एक कारवां चल रहा है, अभिषेक यादव जी का क्रांति दिवस के अवसर से ही चल रहा है। इससे पहले आपने साइकिल यात्रा शुरू की थी जो गाजीपुर ही जनपद से दिल्ली तक ले गई थी। अब आपने 9 अगस्त एक यात्रा पैदल देश बचाओ मुहिम लगा के चल रहे हैं। मैं अभिषेक यादव से खुद उनसे, क्योंकि हमारी जनता, हमारी आवाम आपकी पूर्ण रूप से परिचय पहले जानना चाहती है, अपना पूर्ण रूप से परिचय पहले आप दीजिए। अभिषेक यादव हमें कालीसपुर बवाड़े, यहीं घर है हमारा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई लिखाई हुई है, वहीं पर छात्र राजनीति में गए और वहीं से हमें आदरणीय अखिलेश यादव जी का साथ मिला और उन्हीं के आशीर्वाद से लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और समाजवादी विचारधारा के साथ समाजवादी आंदोलन में रह करके और समाज के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, इनकी आवाज़ को उठा रहे हैं, इनके अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यही हम लोग का परिचय है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप समाज में इतना बड़ा उत्थान पैदा करना चाहते हैं, लेकिन समाज में जिस तरह से ख़ासतौर पर समाजवादी पार्टी के लोगों को जलील किया जा रहा है, उनके कैसे इलाज कर करके उन्हें तबाह बर्बाद किया जा रहा है, ऐसे मौके पे आप कैसे लोगों में सूर फूकेंगे? ये सब चीज़ बुरी नीयत के साथ किया जा रहा है, उनकी नीयत ख़राब है। वो शासन सत्ता, वो ताकत प्राप्त कर ली, लेकिन एक व्यक्ति होता है जो ताकत प्राप्त करने के बाद जिम्मेदार हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ये लोग ऐसे अराजक लोग हैं कि ताकत मिलने के बाद और ज़्यादा उग्र हो गए हैं और इन्हें नहीं पता है कि समय बहुत बलवान होता है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता दल को हमारे साथ खड़ी होगी तो हमारी सरकार बन जाएगी, फिर ये सोचें कि इनका क्या हासिल होगा। इनके ऊपर तो तमाम मुकदमे पहले से ही हैं, दंगे फैलाने के, फर्जी चंदा काटने के और भी बहुत सारे, भड़काऊ भाषण देने के, और संगीन आरोप भी हैं इनके ऊपर, तो अपहरण और हत्या तक के मुकदमे इन लोगों के ऊपर चल रहे हैं। तो ये स्वयं में बहुत बड़े अपराधी रहे हैं, आज शासन में है, आज इनके पास सत्ता आ गई है और सत्ता भी किस तरह से आई वो भी हम लोग जान रहे हैं। जनता हम लोगों के साथ है, हम लोग घूम करके भी देख रहे हैं, जनता हम लोगों के साथ है। मैनेजमेंट के जरिए गुमराह करके, तमाम अन्य तरीकों का इस्तेमाल करके इन लोगों ने सत्ता प्राप्त करी, लेकिन हम लोग उसका भी अब हल निकालेंगे। हम लोग सीधे जनता के बीच जा करके जनता से अपील कर रहे हैं कि आप इनके साथ उठ खड़े होइए। यहाँ तक गुमराही की बात आपने किया, इसी जनपद के परसा के निवासी कैग के चेयरमैन थे विनोद राय जी ने, और ख़ुद उन्होंने माफ़ी मांगा है, इसमें आपका क्या कहना है? बिल्कुल, हम लोग जान रहे थे कि जिस तरह से प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया था 2011 में कि अखबार में एक करोड़ 76 लाख का दिखाया गया था ना, 176 और उसके बाद 70 लगा करके, ये बड़ी सी मोटी सी हेडलाइन दैनिक जागरण में छपी थी। तो बहुत सारी चीज़ें, विनोद राय भी रहे, कैग के डायरेक्टर थे, दैनिक जागरण अखबार है, जी न्यूज़ चैनल है और भी बहुत सारे चैनल, कल भी आप देखें कि अडानी ने जबरदस्ती NDTV में भी अपनी हिस्सेदारी हासिल कर ली और पूरे देश में ये चला गया कि अब तो अडानी ने इसको अधिग्रहण कर लिया NDTV को, अब सच दिखाने वाला भी एक चैनल चला गया। तो क्या इमेज है इनकी, ये ऐसे ही लोग हैं कि अब 10 साल बाद आप माफ़ी मांग लें उसका क्या, जो तात्कालिक लाभ मिलना था वो तो मिल गया ना दक्षिणपंथियों को। और दूसरी चीज़ कि आपने देखा हो कसाब की बिरयानी वाला भी एक बयान था, वो बाद में वकील साहब ने कहा कि मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था कि कसाब को बिरयानी दी जा रही है, जबकि बिरयानी नहीं दी जा रही थी, जो जेल मेन्यू है उसके हिसाब से उनको खाना मिला होगा या जो भी सजा उसको हुई। तो कहने का ये मतलब है कि प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं, खुद बोलते हैं लोग और जानबूझ के रणनीति के तहत उसका प्रसार किया जाता है
और प्रसार होने के बाद जब समाज में वैमनस्यता फैल जाती है, समाज विभाजित हो जाता है, उसके बाद जो लाभ इनको मिलना होता है चुनाव में ध्रुवीकरण के जरिए, वो लाभ इनको मिल जाता है। उसके बाद भले ही माफ़ी मांग लें, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? अब यहीं के विनोद राय जी वो माफ़ी मांग लें, हम लोग के सामने आके पैर पर गिर जाएं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? समाज से जो विघटन होना था हो गया ना। आज रुपया कहाँ पहुँच गया है डॉलर के मुकाबले? आज महंगाई कहाँ चली गई? बेरोजगारी कहाँ चली गई? एक अयोग्य व्यक्ति या अयोग्य पार्टी जब शासन करने लगती है, जिसके पास कोई दूरदर्शी सोच ना हो, मूर्खतापूर्ण भरे फैसले लेता है, नोटबंदी जैसे और अग्निवीर जैसे फैसले लेता हो, उसके इवेंट से, उनके प्रोपोगंडा से, उनके प्रचार प्रसार से, एजेंडे के प्रचार प्रसार से, जिसमें मीडिया को अपने नियंत्रण में करके जिस तरह से वो प्रचार प्रसार करते हैं, उससे थोड़ी देश का भला होने वाला है। अल्टीमेटली लोग जब समीक्षा करेंगे, जब मूल्यांकन करेंगे, तो यही प्राप्त उनके सामने आएगा कि वास्तविक में जमीनी हकीकत पर जनता को कुछ नहीं मिला है, जनता के पास कुछ नहीं मिला। आज बेरोजगारी 45 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई है, महंगाई में हम नाइजीरिया से भी पिछड़ गए, हम क्या किस तरफ जा रहे हैं, हमें खुद सोचना चाहिए। और हम लोग यही जनता के बीच आएंगे, कोई अब सवाल नहीं करेगा आपसे, सरकार से, मीडिया कहाँ सवाल कर रही है, कोई नहीं पूछता है, कोई, हम लोग खुल के इस बात को बोल रहे हैं कि पत्रकारिता नहीं रह गई है इस देश में, ख़त्म हो चुकी है पत्रकारिता, सबका जमीर खत्म हो चुका है, किसी के पास जमीर नहीं बचा है, सबको, कोई सरकार से सवाल नहीं करना चाहता, सरकार के एजेंडे को अंधाधुंध फॉलो किया जा रहा है, और उसकी वजह से जो नुकसान है वो भविष्य में देखने को मिलेगा। और हम लोग का जो दायित्व है वो हम लोग निभा रहे हैं कि हम लोग पीढ़ियों को कम से कम ये तो जवाब दे सके कि हम लोग जब इस सरकार का आतंक कर देने वाला शासन चल रहा था, जो लोकतंत्र के रास्ते ये तानाशाही ला रहे थे, तो उस समय हम लोग इनके खिलाफ खड़े थे, हम लोग लड़ते हुए थे, लड़ रहे थे, भले ही हम लोगों की संख्या कम हो, हम लोग कम मात्रा में लोगों के बीच पहुंच पा रहे हैं, अपनी बात रख पा रहे हैं, अपनी बात कह पा रहे हैं, लेकिन एक न एक दिन ये सारे लोग सुनेंगे, पूरी जनता सुनेगी, पूरी जनता इनके खिलाफ लामबंद होगी, खड़ी हो जाएगी, और जब खड़ी हो जाएगी तो देखिएगा ये इनको कुर्सी से उखाड़ फेंकेगी। क्या हुआ था फ्रांस की क्रांति में, क्या हुआ है अभी लीबिया और सीरिया में, ऐसे ही होगा इनके साथ। ये तानाशाही के रास्ते पर, ये गलत रास्ते पर हैं, लोकतंत्र के रास्ते पर रहते तो बहुत सही रहता। चुनाव को हम लोग स्वीकार करते हैं, हार और जीत को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन कोई पार्टी आ जाए सत्ता में और वो ये चाहे कि वो हमेशा सत्ता में बनी रहे, उसके लिए वो सारे हथकंडे अपनाए, वो सारे संस्थानों को ख़त्म कर दे, अपने नियंत्रण में कर दे, विपक्ष को ख़त्म कर दे, जो ताकतवर विपक्ष के नेता हैं उनके ऊपर फर्जी मुकदमे और ईडी सीबीआई का वो लगातार छापा डाल करके उनको डराने का धमकाने का प्रयास करे। इस तरह से देश नहीं चलता है, देश चलता है नियम और कानून से, देश चलता है संविधान से, देश चलता है जन अधिकारों से, जन सरोकारों से, और जन कल्याणकारी नीतियां बनाने से, देश मनमानी करने से नहीं चलता। जैसा कि विनोद राय ने भ्रम पैदा किया, और भ्रम पैदा करने के बाद जो देश को नुकसान हुआ, एज ए एक युवा होते हुए आप कहां तक उनको किस कैटेगरी में खड़ा करना चाहते हैं? विनोद राय ने सोची समझी रणनीति के तहत ये काम किया, सोची समझी, वो मिले हुए थे, वो संघ से मिले हुए थे। ये जो पूरा आंदोलन हुआ था 2011 में, हम लोग उस समय उस आंदोलन में नहीं थे। वो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चल रही, भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार तो आज भी है, लेकिन सरकार आपकी बंद हो गई, अब आना हरियाणे कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत उस समय से ये तैयारी कर ली गई थी, और विनोद राय से बकायदा कहलवाया गया कि आप इस चीज़ को बोलिए, इस चीज़ को उजागर करिए, बाद में आप चाहे जो कह लें, लेकिन उन्हें अपनी गलती का एहसास भी होगा, तो हम कह रहे हैं कि हम और क्या कर सकते हैं, एक व्यक्ति तो है वो उस समय सरकार की, आज कोई और डायरेक्टर है, आज कोई और चुनाव आयुक्त है, आज कोई और डीजीपी है, चीफ सेक्रेटरी है, जो सरकार के सारे पर काम कर रहा है, कल को 10 साल बाद वो माफ़ी मांगेगा तो उसकी मतलब, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एज जब आप ताकत में होते हो, मौके पर आप क्या कर रहे हो, ये महत्वपूर्ण है, और यही सच्ची देशभक्ति भी है कि जब मौका आया तो आपने अगर देशभक्ति नहीं दिखाई, जब युद्ध के मैदान से आप छोड़ के भाग आए और उसके बाद कह रहे कि नहीं मैंने तो गलती किया था, मुझे नहीं आना चाहिए था, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, भागना नहीं चाहिए मैदान से। इस वक्त हमेशा समाजवादी पार्टी के लोगों पे, खासतौर पे मिलाए आपके आजम खान कद्दवार आपके नेता है उन पे, और जितने आपके सपा के नेता है उन पे मुकदमे कायम किए जा रहे हैं, उसके हल के लिए आप ऐसा युवा क्या सोच रहा है? नहीं, मुकदमे भी तो देखिए कैसे कैसे मुकदमे हैं, किताब चोरी के, बकरी चोरी के, और भी जाने कैसे कैसे मुकदमे हैं। मतलब आजम खान जैसे व्यक्तित्व तो इस देश में बहुत कम है, उनके जैसा वक्ता, उनके जैसा ईमानदार नेतृत्व तो नहीं मिलेगा, उनके जैसा नेता नहीं है इस देश में, बहुत विरले हैंगे। और उनके ऊपर सिर्फ इसलिए कि वो गरीबों, कमजोरों, मजलूमों की लड़ाई लड़ते हैं,
और लगातार लड़ते आ रहे हैं वहाँ पर राजशाही व्यवस्था के खिलाफ, और उत्तर प्रदेश में भी देश में भी वो समाजवादी आंदोलन को मजबूत करने का काम किया, लेकिन इस वजह से कि वो सच बोलते हैं, सच बोलने की सजा उनको मिल रही है, क्योंकि झूठे लोग हैं, बेईमान लोग हैं, इन्हें सच नहीं स्वीकार होता है, वो देख नहीं सकते कोई सच्चा आदमी उनके सामने कैसे सीना ठोंक के खड़ा है, इसलिए बेईमान और अराजक लोग हैं, उन्हें नहीं पसंद है, इसलिए उन्हें फर्जी मुकदमे लगा करके उनको जेल भेजा जाता है और उनके ऊपर ज़बरदस्ती मुकदमे लगाए जा रहे हैं। जहाँ आप मौजूद हैं, यहाँ खुद फाटक पे अभी ईडी का छापा पड़ा था, अभी खुद मन्नू अंसारी के चचा अफजाल अंसारी के यहाँ आपका कुड़की हुआ है, समझना आपका क्या कहना है? ये परिवार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा है, ये परिवार लंबे समय से जनप्रतिनिधि हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों का आंसू पोंछते हैं, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं, उनके साथ जानबूझ करके उत्पीड़न किया जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि देखिए हम लोग समझते हैं इन सब चीज़ों को, वो ये दरअसल दिखाना चाहती है बीजेपी और संघ की जो सरकार है कि मुसलमान को सीधे मुसलमानों पर निशाना बना करके वो दरअसल नुकसान पहुंचा रही है दलित और पिछड़ों का, वो दिखाती है, दक्षिणपंथ की परिभाषा होती है कि वो एक काल्पनिक दुश्मन आपके सामने रखेगी, काल्पनिक दुश्मन कौन है? मुसलमान है, ये बताएंगे कि मुसलमान देखिए आपका सारा हक खा रहा है, सारा अधिकार खा रहा है, आप मुसलमानों की वजह से आपको दिक्कत हो रही है, और उसकी उसके बदले में क्या होता है, नुकसान किसका हो रहा है? दलित और पिछड़े का, इसमें कितने लोगों के रोजगार चले गए, इसमें कितने लोगों बेरोजगारी की भेंट चढ़ गए, कितनी भर्तियां नहीं आ रही हैं, जो पेपर आउट हो रहे हैं हर एक परीक्षा के, इन सारे मुद्दों पर जो विमर्श होना चाहिए वो दब जा रहा है, और वो लोगों के बीच समाज में एक वो विभाजनकारी शक्ति बनाए हुए हैं सिर्फ ये दिखा करके कि ये मुसलमान है, मुसलमानों पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, ये बड़ी छिछली नीति है इनकी, बहुत ओछी राजनीति है जो ये कर रहे हैं, और इन्हें नहीं, और संस्थाओं का तो देखिए उठ के खड़ा हो जाना चाहिए, कैट डायरेक्टर उस समय नहीं खड़े हुए, आज बोल रहे हैं, कोई मतलब रह गया उसका? आज भी जो सीबीआई में है, जो ईडी में है, जो उसके अधिकारी होंगे वो पढ़े लिखे होंगे ना, एग्जाम पास करके वहाँ पहुँचे होंगे, उनका क्या जमीर गवाही दे रहा होगा कि जो ये कर रहे हैं ये कल को उनके सामने आएगा, और जब खुद की जब अपना जो वो आत्मविश्लेषण करेंगे तो वो पाएंगे कि उनका जमीर कहाँ था, कहाँ मर गया था, किन लोगों पर वो हमले कर रहा था, जब सब कुछ सामने आपके है, सारा मुकदमा आपके सामने, जो कुछ आप कर रहे हो सब कुछ आपके सामने, उसके बाद आप जानबूझ के सरकार के कहने पर सरकार की बटरफ्ली बजाओगे, आपके पास खुद का कुछ अकल नहीं है, खुद की जमीर नहीं है, तो हम लोग यही लोगों को बताने हैं कि कुछ बचा नहीं है, ये सरकार सब खत्म कर दी है, सब कुछ अपने कब्जे में ले रखा है, कभी भी ईडी सीबीआई को आप ये नहीं देखते हो कि भारतीय जनता पार्टी किसी नेता पर वो जाके छापा डाल रहा हो, किस लिए नहीं डालता है? अगर तुम तो स्वतंत्र संस्था हो, आपको ये करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो और बार बार ये भी अपेक्षा करते हो कि लोग ये कहें कि नहीं आप स्वतंत्र संस्था हैं, आप तो स्वतंत्र रूप से कार्रवाई कर रहे हैं, नहीं, इसमें साफ साफ दिखाई देता है कि आप उस परिवार के खिलाफ जानबूझ करके इंटेंशनली उस परिवार को दबाव बनाने के लिए, उस परिवार को राजनीतिक रूप से कमजोर करने की नीयत से, बुरी नीयत से आप ये काम कर रहे हैं, और हम लोग इसके खिलाफ हैं।